भाई मुझे वहाँ से वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं मिले, मैंने बहुत ज़्यादा पोस्ट लिख दिया, मैंने 60 लिख दिया, मैंने 70 लिख दिया, मैंने 80 लिख दिया। सो इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली मेरे से पूछा जाने वाला क्वेश्चन मैं डील करने वाला हूँ। सो वो क्वेश्चन है लाइक आप लोग इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग पूछते हो कि आप कैसे मतलब लिखते हो पोस्ट ताकि जो आपकी जो पोस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज होती है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाती है एंड SEO परफेक्ट होती है एंड आप पे रैंक कर पाते हो। सो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अपने आप में बहुत ही लंबा क्वेश्चन है एंड बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इसी पे पूरा हर एक चीज जो भी आपका डिपेंड करता है। सो मैं कौन सा स्ट्रक्चर यूज करता हूँ अपनी वेबसाइट की जो पोस्ट है उसकी जो SEO है उसको करने के लिए एंड SEO के साथ साथ मैं कैसे कंटेंट लिखता हूँ या फिर मैं कैसे कंटेंट को जो प्रोड्यूस करना होता है वो मैं करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वही स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ एंड स्ट्रक्चर में आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी टॉपिक्स बताऊंगा जिस पे आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप उस पे ध्यान देते हो तो आई एम श्योर कि आपकी जो वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगी एंड साथ में आपकी जो पोस्ट है वो रैंक करेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप लोग नॉर्मली यहाँ पे लिख देते हो एंड कहते हो भाई मुझे वहाँ से वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं मिले, मैंने बहुत ज्यादा पोस्ट लिख दिया, मैंने 60 लिख दिया, मैंने 70 लिख दिया, मैंने 80 लिख दिया। सो इस वीडियो में वही डील करने वाला हूँ कि आप लोग कैसे एक ऑप्टिमाइज पोस्ट लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख के नहीं बताऊंगा आप लोगों को, जो स्ट्रक्चर होता है एक वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आप लोगों को दे दूंगा एंड कैसे लिखना है वो चीज़ें बता दूंगा आप लोगों को। सो चलते हैं वीडियो में एंड देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ और कौन कौन सी जो चीज़ है जिसमें मैं ध्यान देता हूँ कभी भी पोस्ट लिखते टाइम। सो सारी चीज़ें देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, आपने ऊपर जो लिंक वगैरह है वो सारी चीज़ें चेक नहीं करी आई बटन में, तो आप लोग सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, बहुत सारी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना होता है जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होगे, इस इमेज में देख पा रहे होगे, सो जो पहला चीज़ है सबसे पहला आपको यहाँ पे H1 जो टैग है आपका मीन्स पोस्ट टाइटल जो है उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। अगर आप पोस्ट टाइटल को ऑप्टिमाइज करते हो तो मतलब आप बोलोगे कि जो पोस्ट टाइटल है उसे ऑप्टिमाइज कैसे करें। सो आप लोग जो कीवर्ड को जो कीवर्ड डाल रहे हो उसको आप ना एक काम करो जो पोस्ट टाइटल है उसमें डाल दो। तो आप जैसे ये चीज़ डालते हो तो आपको वहाँ से जो होता है कि सर्च इंजन को लगता है कि हाँ जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई ढूंढ रहा है उसी पर्टिकुलर चीज़ पे पोस्ट लिखा गया है, तो वहाँ पे आप लोगों को जो वहाँ से मिलना होता है एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस वो वहाँ पे मिल जाता है। उसका जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है कंटेंट SEO, मीन्स आपको जो कंटेंट SEO मतलब कीवर्ड। सो कीवर्ड में हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि आप जैसे ही मतलब कोई भी कीवर्ड ले लिए कि मुझे पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे काम करना है, तो उस कीवर्ड को जो हमारा पहला पैराग्राफ होता है फर्स्ट पैरा में उसको डालना ही डालना है। तो आप लोग फर्स्ट पैरा में लिखते हो है गाइज व्हाट इज अप गाइज दिस ऐसे करके आप लोग लिखते हो, लेकिन उसमें ठीक है वो चीज़ लिख सकते हो, आप वेलकम बैक भी लिख सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका जो मेन कीवर्ड है उसको वहाँ पे डालना होता है। अगर आप मेन कीवर्ड डालते हो तो जो एक कीवर्ड का जो वहाँ पे मैपिंग बन रहा है लाइक सबसे पहले आपके पोस्ट टाइटल में, उसके बाद जो यहाँ पे आपके कंटेंट SEO में, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है उससे। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे सामने नेक्स्ट निकल के आता है वो हमारा है अल्ट इमेज। सो हमारे बहुत सारे जो आप लोगों में से बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो कि आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को अल्ट के बारे में नहीं पता है। सो अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है कि जो सर्च इंजन होता है उसे तो पता नहीं है ना कि कौन सी चीज़ का इमेज है, तो उसको बताने के लिए कि हाँ दिस पर्टिकुलर इज इमेज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, तो उसके लिए आपको वहाँ पे अल्ट टैग डालना होता है। तो आप लोग अल्ट टैग में जो आपका कीवर्ड है वो डाल सकते हो एंड उसको डालोगे अगर उसमें तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है वहाँ से, क्योंकि आपने सबसे पहले देखा कि जो सबसे पहला हमारे यहाँ पे जो पोस्ट टाइटल है पोस्ट टाइटल में भी हमारा कीवर्ड हो गया, उसके बाद जो फर्स्ट जो पैरा है उसमें भी आ गया, उसके बाद जो हमारा इमेज है उसमें भी आ गया, तो यहाँ पे एक सिक्वेंस बन रही है, एक मैपिंग बन रही है यहाँ पे, तो मैपिंग बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प होती है वहाँ पे करने में। ऐसे ही टाइप का आपको जो साइलो स्ट्रक्चर होता है वो सब सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना मैं आगे की वीडियो में बताता रहूँगा आप लोगों को। सो यहाँ पे उसके बाद देखते हैं जो एल टैग है उसके बाद में कौन सी चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देनी है। सो जो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे सामने आता है वो होता है हमारा जो H2 टैग, मीन्स H1 टैग तो जो हमारा हो गया जो टाइटल है, उसके बाद में जो H2 टैग होता है, तो H2 टैग में भी अगर आप कीवर्ड डालते हो तो वहाँ पे आप लोगों की जो कीवर्ड की मैं बता रहा हूँ कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है यहाँ पे, लेकिन हाँ कीवर्ड अगर जो डालते हो आप, तो अगर H2 टैग में जो अगर आप कीवर्ड देते हो तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है आप लोगों को, आप लोग समझ नहीं पाओगे कितना ज़्यादा हेल्प होता है वहाँ से। तो एक कीवर्ड का जो सीक्वेंस बनते जा रहा है धीरे धीरे, तो सर्च इंजन को लगता है कि हाँ दिस पर्टिकुलर चीज़ को मतलब टैग करके इन्होंने करा है, तो इसको मतलब उसको रैंक करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। उसका जो H2 आपने टैग डाल दिया, ठीक है H2 टैग आपने डाल दिया, तो H2 टैग के बाद में जो आपको यहाँ पे करना है, जो H2 टैग के बाद में जो आपने कोई सा भी एक पैरा लिखा है उसमें भी आपको कीवर्ड इम्बेड करनी है, मीन्स कीवर्ड डालनी है, कम से कम एक बार तो आप डाल ही दो। तो अगर आप ऐसे करते जाते हो, अगर आप मेरा कोई भी पोस्ट उठा के देख लो digitalhitweek.com पे या फिर मैं जितनी भी वेबसाइट चलाता हूँ सारी वेबसाइट पे अगर आप जाकर देख लो, तो वहाँ पे आप लोगों को मेरा जो स्ट्रक्चर है मैं पर्टिकुलर यही स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ। सो आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं मतलब मेरी वेबसाइट पे उतनी ट्रैफिक कैसे आ जाती है।
तो आपको फिर से कीवर्ड डालना है, एस टू टैग के बाद भी कीवर्ड डालना है, मतलब रेंडमली मत डालना है, एक जो लाइन होता है उसमें आप मिक्स करके डाल ही सकते हो। सो उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है उसको हम देख लेते हैं। तो जो हमारा होता है इंटरनल लिंकिंग, मीन्स आपकी वेबसाइट पे कोई सी भी पोस्ट है तो उस पोस्ट को आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट में अगर आप लिंक करते हो, मीन्स मान लो मैंने हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग का एक पोस्ट लिखा, उसके बाद मैंने 5 बेस्ट प्लगइन्स लिखा, तो 5 बेस्ट प्लगइन्स में अगर मैं जाके जो मेरा जो पिछले वाला पोस्ट है उसका अगर मैं URL डालता हूँ तो वहाँ से जो रेफरेंस मिलता है कि मेरी वेबसाइट की जो एक स्ट्रक्चर बन रही है वहाँ पे लिंकिंग की, तो वहाँ से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपकी जो वेबसाइट है उसको रैंक कराने में। सो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मतलब कहीं से भी अगर लिंक बन रही है, लाइक आप मान लो कहीं से आप एक धागा ले लो एंड धागा को आप बांधते जा रहे हो, सो अगर आप धागा सिंगल धागा अगर है कहीं पे तो वो टूट जाएगा, लेकिन वहाँ पे बंच अप अगर जो थ्रेड्स है, अगर बंच अप थ्रेड्स है वहाँ पे, तो आप लोग उसको तोड़ने में थोड़ी सी जो ज़्यादा होती है वहाँ पे टफ हो जाती है। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि ऐसे ही होता है, जो हमारा लिंकिंग होता है बेसिकली ऐसा ही होता है। सो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। सो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होता है वो बेसिकली होता है कि जो एक कीवर्ड होता है उसमें वो बहुत ही लंबा जो होता है उसका जो टेल, मतलब यहाँ पे आप नाम से समझ पा रहे हो कि लॉन्ग टेल मतलब लंबा जो कीवर्ड होता है वो बहुत ही बड़ा कीवर्ड होता है, तो वो अपने आप में लाइक एक क्वेश्चन टाइप का ही होता है। तो वो कीवर्ड को आप वहाँ पे एम्बेड कर सकते हो। जो नेक्स्ट स्टेप है, मीन्स मैं जो प्रोसेस फॉलो करता हूँ मैं उसमें वैसे ही करता हूँ, मैं जो भी मेरा जो लॉन्ग टेल एक कीवर्ड होता है मैं हर एक पोस्ट के लिए एक लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढता हूँ। तो आप लोगों को लॉन्ग टेल कीवर्ड यहाँ पे ढूंढ लेना है एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड उसी पोस्ट से रिलेटेड जो होता है उसको डाल देना है। सो आपको एम्बेड करनी है जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड वहाँ पे यूज करते हो तो जो आपकी जो पोस्ट होती है ऊपर से आपने तो बहुत अच्छे से मैपिंग करी है, तो मैपिंग आपने ऊपर से कर दी लेकिन नीचे से भी अच्छी सी मैपिंग होनी चाहिए। तो इसकी वजह से जो एक आप अगर देते हो वहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड तो जो उसका ऊपर का जितना भी कीवर्ड था सबको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी पोस्ट है वो ऑप्टिमाइजेशन की ओर बहुत ही अच्छे से बढ़ने लगती है। सो उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है वो है यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग। सो आप हर एक पोस्ट में एक ना एक एक्सटर्नल लिंकिंग आप डालो ही। अगर आप एक्सटर्नल लिंक डालते हो तो उससे ये होता है कि जो क्रलर आता है तो वहाँ से आप लोगों को हेल्प मिल जाती है, एंड एक्सटर्नल लिंक से आपको जो एक लिंकिंग का मैंने बताया कि आपने पहले ही जैसे कि अपने इंटरनल लिंकिंग करी अपनी वेबसाइट के अंदर ही एक नेटवर्क से बना दिया वहाँ पे, एंड नेटवर्क से बनने की वजह से जो आपको जो मैंने जो एग्जांपल दिया थ्रेड का, सो ऐसा ही होता है थ्रेड से। तो यहाँ पे वही चीज़ करनी है आप लोगों को, जो एक्सटर्नल लिंकिंग की भी एक नेटवर्क बनानी है, एंड उस एक्सटर्नल लिंकिंग बेसिकली नेटवर्क नहीं किसी को रेफर करनी है, तो वहाँ पे आप जाके चीज़ सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है कि आप कोई भी जो पैरा लिखते हो, कोई भी पैराग्राफ लिखते हो तो उसको ज़्यादा लंबा मत करो, मीन्स मैक्स से मैक्स आप ज़्यादा वर्ड का मत लिखो। मैं बोलूँगा कि ज़्यादा वर्ड का मत लिखो, 20 वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो आप लोगों को फुल स्टॉप वहाँ पे यूज करने हैं, एंड फुल स्टॉप यूज करने के बाद लाइक आप कॉमा से ही काम चला लेते हो बहुत लोग, तो कॉमा वहाँ पे नहीं डालना है। वैसे कॉमा डालने से सही है, लेकिन आप अगर फुल स्टॉप डालते हो तो वहाँ से एक पेज ब्रेक होता है, पेज ब्रेक नहीं बेसिकली यहाँ पे जो पैरा ब्रेक होता है तो पैराग्राफ ब्रेक होता है, तो उसकी वजह से आप लोग अगर पैरा ब्रेक करते हो तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है आप लोगों को। जो वहाँ पे रीडिंग का जो एक होता है SEO, आप लोग अगर योस्ट यूज करते हो तो आप लोगों को पता होगा वहाँ पे रीडिंग की भी SEO आती है, तो SEO रीडिंग SEO में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को हेल्प हो जाती है। सो उसका जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है, लाइक मैंने बताया आप लोगों को कि जो हमारा फर्स्ट जो है मतलब जो H1 टैग है उसके बाद में कीवर्ड हमने डाला है, सही है। उसके बाद जो हमारा H2 टैग है उसके बाद भी कीवर्ड डाला है, लेकिन H2 टैग के बाद में आप अगर H3 भी यूज करते हो तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है आप लोगों को। लाइक H1 H2 H3 जो ये तीनों टैग है ये सब बेसिकली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का टैग माना जाता है, तो यहाँ से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। अगर आप इन सारे जो हमारे जितने भी यहाँ पे जो टैग्स है उसमें आप अगर कोई भी कीवर्ड डालते हो तो वो बेसिकली वही रैंक करने का चांस वहाँ पे होता है। सो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आपको कभी भी जो कीवर्ड है वहाँ पे डालना है तो आप लोग वहाँ पे जो हमारे H1 H2 H3 टैग होते हैं उसमें डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा आप लोग वहाँ पे मत डालना वरना वहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। सो उसके बाद में मैं यहाँ पे आप लोगों को जो नेक्स्ट चीज़ है वो बता दूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को जो कमेंट्स होते हैं, सो आपने तो सारा का सारा पोस्ट लिख लिया आप पब्लिश कर लो, एंड उसके बाद में जो कमेंट्स होते हैं तो मैं एक आप चीज़ आप लोगों को एक जो छोटा सा हैक है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सो जो कमेंट होता है आप लोगों का, तो वो कमेंट में अगर आप जाके खुद से कमेंट कर दो, यार क्या दिक्कत आ रही है उसमें, तो आप लोग दूसरे IP से वहाँ से खुद से कमेंट कर दो, एक कमेंट एटलीस्ट कर दो जिसमें आपका जो कीवर्ड है वैसे टाइप का हो, वहाँ से आप लोगों को बेसिकली ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसकी चांसेस बढ़ जाती है। सो आप लोग वहाँ पे एक कमेंट कर देना जिसमें आपका कीवर्ड हो कुछ अच्छा सा, या फिर कुछ भी आप कर सकते हो रैंडमली, तो आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सो बेसिकली ये जितने भी प्रोसेस थे मैंने जो भी आप लोगों को दिखाया बताया वो सारी प्रोसेस मैं खुद फॉलो करता हूँ, एंड इसी वजह से जो मेरी वेबसाइट पे जो मेरी पोस्ट की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, एंड मेरी ट्रैफिक भी बूस्ट हो जाती है वहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।